Okay, so Sn given है दिस R इज इक्वल टू वन टू एन और वन अपॉन सिक्स एन टू एन स्क्वायर प्लस नाइन एन प्लस थर्टीन. देन वी हैव टू डिटरमाइन सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन आर अंडर रूट ऑफ टी आर. ये क्वेश्चन है. देखो अभी तो एस एन गिवन है, पहले एस एन से फाइंड करोगे आप टी आर. टी के लिए पहले आप एक काम करो, टी एन फाइंड कर दो. टी एन कैसे फाइंड करते हैं? एस एन माइनस एस एन माइनस. काफी क्लासिक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन. देखते हैं. सो एस एन ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर एन टाइम्स टू एन स्क्वायर प्लस नाइन एन और प्लस थर्टीन माइनस एस एन माइनस वन वन अपॉन सिक्स टाइम्स एन माइनस वन. एन के प्लेस पे यूज करोगे क्या? एन माइनस वन. तो ये हो गया अभी टू टाइम्स एन माइनस वन स्क्वायर प्लस का नाइन टाइम्स एन माइनस वन और प्लस थर्टीन. इसको कर लो अभी सिंप्लीफाई. तो ये हो जाएगा टू एन स्क्वायर, यहाँ से आएगा माइनस टू एन इंटू टू यानी कि माइनस का फोर एन, यहाँ पे आएगा प्लस नाइन एन यानी फाइव एन, फिर आने वाला है टू और थर्टीन फिफ्टीन माइनस नाइन यानी कि प्लस सिक्स. इसको और फर्दर सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा. वन अपॉन सिक्स ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यार हमें, है ना? तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. दिस और माइनस का दिस, पहले ये कितना आ रहा है टू एन क्यू प्लस नाइन एन स्क्वायर प्लस थर्टीन एन, और ये पहले मल्टीप्लाई कर दो आप एन को. तो ये हो गया माइनस का टू एन क्यू माइनस का फाइव एन स्क्वायर माइनस का सिक्स एन. फिर माइनस वन मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस हो गया है प्लस टू एन स्क्वायर प्लस फाइव एन प्लस सिक्स. टू एन क्यूब कैंसिल, नाइन एन स्क्वायर प्लस टू एन स्क्वायर और माइनस का फाइव एन स्क्वायर यानी कितना? सिक्स एन स्क्वायर. और प्लस है एटीन नहीं ट्वेल्व एन और प्लस सिक्स. ठीक है, सिक्स और सिक्स कैंसिल और फिर ये हो गया है एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन यानी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन प्लस वन. हाँ ये अभी निकल के आया. क्वेश्चन है दिस यानी आर रूट टी आर. तो ये हो गया अभी आर इज इक्वल टू वन टू इनफिनिटी वन अपॉन आर, ये है टी एन टी आर यानी आर प्लस वन होल स्क्वायर अंडर रूट यानी ऐसा. ये डेट किया था हम लोगों ने और इसका आंसर आता है आर अपॉन आर प्लस वन. एक काम करो, पहले एस एन फाइंड कर लो, है ना? या फिर कुछ भी मत करो, इन्फिनिटी है और सपोज करो इन्फिनिटी लर्न नहीं है. वैसे तो बताया था आपको मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट्स का रेशियो, फिर भी इस तरीके से कर सकते हैं. ये कैंसिल और इन्फिनिटी पर ये भी कैंसिल. आंसर अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट बोलो. काफी अच्छा क्वेश्चन था, एस एन गिवन था और इससे फाइंड किया हम लोगों ने पहले टी और फिर जो भी क्वेश्चन था वो हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो. सेक्शन ई में कोई डाउट नहीं? सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर F5. F5 सेम ही है, SN गिवन है, पहले फाइंड करोगे TN, SN माइनस SN माइनस 1 और फिर वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे. ठीक है, कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं. SN गिवन है n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 और फिर फाइंड करना है सिग्मा 1 upon tr r is equal to 1 to 10. पहले आप फाइंड कर लो tn. पहले फाइंड कर लेते हैं टी एन. टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस
एस एन ऑलरेडी गिवन है एन एन प्लस वन एन प्लस टू और एन प्लस थ्री माइनस एस एन माइनस वन एन के प्लेस पे यूज करोगे एन माइनस वन. तो ये हो गया है अभी दिस. और फिर यहाँ पे कॉमन टर्म है एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू रिमेनिंग है दिस यानी कितना फिर क्वेश्चन है सिग्मा वन अपॉन टी आर यानी वन अपॉन फोर तो बाहर एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बताया था पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देते हैं ऐसे फर्स्ट टू और लास्ट टू करेक्ट है तो ये आ जाएगा बी एन प्लस टू माइनस एन यानी एक्स्ट्रा आर आई टू डिवाइड बी करोगे टू करेक्ट वैल्यूज प्रूफ वगैरह कर दो डायगोनली कैंसिल कर दो क्वेश्चन कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन एफ सिक्स क्लास में किया था एक्सरसाइज वन पार्ट टू डाउट बोलो सेक्शन डी सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर ई वन में कुछ भी नहीं है बेटे ई वन में क्या है बताओ ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस हाँ फिर दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी फिर आएगा दिस ए प्लस बी और ए माइनस बी ठीक है तो माइनस वन तो कॉमन ही आ गया रिमेनिंग है थ्री प्लस सेवन प्लस इलेवन एंड सो ऑन वन टू का पेयर बन गया टू थ्री का पेयर बन गया है ऐसे ही 2001 और 2002 का पेयर बनेगा तो टोटल ये नंबर्स होने चाहिए कितने 1001 नंबर है इसमें एक्स्ट्रा नंबर और है एक 2003 होल स्क्वायर अलग से ऐड कर देना क्वेश्चन नेक्स्ट बताओ E3 गिवन दैट A1 A2 A3 AN फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये डिस्कस किया था हम लोगों ने क्लास में A1, A2, A3, AN form an arithmetic progression, तो ये है AI, AI plus 1 और AI plus 2. AI को we can write AI plus 1 minus D और AI plus 2 को we can write AI plus 1 plus D. तो ये बन जाएगा AI plus 1 और AI plus 1 square minus का D square. ये clear? ये है AI plus 1 minus D और ये है AI plus 1 plus D. यानी कि 2 टाइम्स ए आई प्लस 1 और ये क्या हो गया अभी कैंसिल 1 अपॉन 2 बाहर और फिर क्वेश्चन है क्या A1 है 1 A2 है 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और आपको फाइंड करना है समेशन i = 1 से लेकर के और i = 10 तक तो इस पे अप्लाई करोगे आप समेशन 1 अपॉन 2 कांस्टेंट डिवाइड में है बाहर ठीक है d² अप टू 10 टाइम्स यानी कि 10 d² d है 1 ये तो अलग से लिख दो इसको तो है ना और फिर ये रह गया i = पुट करोगे 1 तो ये बनेगा a2 और a2 है 2 यानी 2 स्क्वायर फिर 3 स्क्वायर फिर 4 स्क्वायर अप टू 11 स्क्वायर 10 स्क्वायर नहीं आएगा 11 स्क्वायर आएगा ये समेशन कैलकुलेट कर सकते हैं n n + 1 2n + 1 / 6 n की वैल्यू पुट करोगे 11 और उसमें से माइनस कर दोगे क्या 1 क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है ठीक है इजी क्वेश्चन था नेक्स्ट बताओ सेक्शन एफ पे आते हैं एफ में कोई डाउट सर एफ टू एंड एफ फोर टू डिस्कस कर लेते हैं एफ टू है सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेकर के इनफिनिटी अगेन ये आपको करना है टू टर्म के डिफरेंस में ब्रेक एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन एफ टू F2 कौन डिस्कस करने वाला है कौन एक्सप्लेन करने वाला है r4 plus r square plus 1 को पहले ब्रेक करेंगे r square plus r plus 1 और r square plus r minus 1 कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको ब्रेक करके देखा क्योंकि ये फर्क पता होता है हमको ठीक है नेक्स्ट बताओ तो डिफरेंस नहीं मतलब कहां डिफरेंस अभी तो ये टर्म ही है ना कर सकते हैं मतलब डायरेक्टली r की पावर जो ऊपर मैक्सिमम और डाउनवर्ड डिनोमिनेटर मैक्सिमम उसका रेशियो
आपने बोला था एक बार। यार मैंने बोला था, लेकिन ये बात थोड़ी बोली थी, ये बात बोला था कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वो तो लास्ट स्टेप में जाकर के अप्लाई करते हैं जब सारा सबमिशन वगैरह हो जाता है। तुमने इसमें सबमिशन किया है कभी तक? नहीं तो फिर मतलब कोई बात बोली है तो ऐसा थोड़ी कि वो बात हर जगह वैलिड है, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, वो उसी जगह पे वैलिड है। जैसे ये क्वेश्चन ना होता है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2n² माइनस का 3n+1 और 5n² + 7n- का लेट्स से 8, तो ये हो चुका समेशन जो होना था। अब फाइनल स्टेप ये है, इसमें मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट का रेशियो आंसर 2/5। अभी तक तो यहाँ पे समेशन वगैरह कुछ हुआ ही नहीं है ना, r इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी बहुत सारे टर्म्स हैं, पहले उनको एड वेड करो, फाइनल स्टेप में जाकर के अप्लाई कर देना चलता है। तो अभी तो यही मेथड है कि आप इसको टू टर्म के डिफरेंस में एक्सप्रेस करोगे अपना दिमाग लगा करके। तो ये है r³ और ये आ रहा है r² 4 + 2r² + 1। वन 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 यहां तक जाना है हम लोग उस जगह तक। ठीक ओके, डिनोमिनेटर में है ये, तो तुम बोल रहे थे कि इसको ऐसे ही कर सकते हैं, अभी नहीं बदला क्या है डायरेक्ट? इसको लिखा r² + r+1 × r² - r+1, वन और ये है r² + r यानी r × r+1। यहाँ पे लिखोगे आप ऐसे टू टर्म्स, यहाँ पे लिखोगे माइनस का साइन, कुछ एलसीएम वगैरह आएगा, न्यूमरेटर में आपको मिलना चाहिए ये। क्वेश्चन हाँ सोचो, देखो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, जैसे इसमें r² 4 + r² + 1 है, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ब्रेक वगैरह कर लो, ऐसे r² 4 + r² + 1 सेपरेट, रिमेनिंग है अभी r³ r स्क्वायर, अभी इसको किया मैंने सेपरेट है ना, ये डिवाइड में ऐसे, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन कैंसिल, रिमेनिंग है 1/r² + r, यहाँ पर r कॉमन, रिमेनिंग है r² + r/r² 4 + r² + 1 × r² + ये कैंसिल। यार देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं चीजों के ऊपर, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो अलग अलग जगह से और कॉन्फिडेंस लेके आओ, अपना माइंड इंप्रूव करो। ऐसा मैं ये नहीं बोल सकता बिल्कुल भी कि नोट से क्वेश्चन कर लो बस सारे हो जाएंगे जेई में सारे क्वेश्चन, है ना, ऐसे नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। r² + r कैंसिल, ये ऑलरेडी पता होता है हम लोगों को, ये है 1/r × r+1 और इसका समेशन इन्फिनिटी पे जाके कितना आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, 1। वन। ये और करना है, ये भी हम लोगों ने क्लास में किया था, इसको कर देते हो आप ब्रेक ऐसे और फिर कर दो सेपरेट। ये आ जाता है 2r, यानी एक्स्ट्रा अप्लाई करोगे 1/2, फिर इसमें पुट करो वैल्यूज, 1 पुट करोगे तो 1, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 3, फिर पुट करोगे आप 2 यानी ऐसे, और ये आएगा कितना 2 + 2 + 1 यानी 7, और फिर ये टर्म ऐसे 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 कैंसिल, ठीक है, फिर इसमें रखोगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो 1/∞, ये भी 0 यानी कितना रिमेनिंग है यहाँ पे 1/2, शुक्रिया। फाइनल आंसर। ठीक है भाई, तो अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट बताओ। सर F4। F3 तो किया था क्वेश्चन क्लास में, F4 ये बताया था डायरेक्ट, F4 A1 A2 A2 A3 A3 A4 An-1 An, ये आता है N-1 into first into लास्ट नेक्स्ट बताओ। F5 F5 फाइंड द समेशन टू 10 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस, अगेन यार ये तो वही क्वेश्चन है आई थिंक जो नोट्स में आपको सॉल्व करने के लिए बोलता था वैसे। हाँ सर, n2n+2n2n+1 वैसे देख रहा है ना, 1 3 2 स्क्वायर 2 4 3 स्क्वायर 3 5 4 स्क्वायर, हाँ वही क्वेश्चन, ठीक है, तो n टर्म्स का समेशन और उसमें फिर आपको चाहिए 10 टर्म्स का समेशन, ठीक है, हो गया सॉल्व।
तो सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई करने का यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि n टू द पावर 4 आएगा, समेशन का फॉर्मूला नहीं पता होता है, ठीक है। ट्रिक इसमें लगेगा नहीं क्योंकि वो लगता है 1 2 2 3 या 1 2 3 2 3 4 3 4 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले में, ये कुछ और ही है। यहाँ पे केवल आप एक ही मेथड यूज कर सकते हो किसी तरीके से, तो इसको टू टर्म्स के डिफरेंस में ब्रेक करना है यहाँ पर। ओके, एक काम करते हैं, इसको लिखा मैंने n into n plus 1 into n plus 2, क्योंकि इतना पता होता है हम लोगों को 1 2 3 2 3 4 ये उस टाइप का सीक्वेंस है। एक टर्म और रिमेनिंग है क्या, n plus 1 plus 1 को करते हैं एडजस्ट, ऐसे एडजस्ट कर सकते हो n plus 3 minus 2। अब इससे क्या है, ये दो डिफरेंट बन गए हैं समीशन, n n plus 1 n plus 2 n plus 3 minus 2 times n into n plus 1 into n plus 2। अब ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस इस टाइप से है 1 2 3 4, 2 पुट करोगे तो 2 3 4 5, 3 पुट करोगे तो 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यस ऑर नो, यस। और ये समीशन है लाइक 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6। इसके लिए एक मेथड, मल्टीप्लाई करना तो है नहीं इसके लिए मेथड, इसके लिए अलग से मेथड ये था कि आप टू टर्म के डिफरेंस में एक्सप्रेस कर दो, अदरवाइज यहाँ पे ट्रिक भी काम हो जाएगा, समझ गए। ट्रिक था n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3, इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस और कांस्टेंट c। हाँ, ये कर लेते हैं फाइंड आउट, पुट करो n इज इक्वल टू 1, तो 1 2 3 4 5 अपॉन 5 प्लस c n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो यहां पर, n इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया s1 यानी समेशन ऑफ 1 टर्म, 1 2 3 4 c इज इक्वल टू 0 0, ठीक है ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ये समेशन आ जाएगा n n plus 1 n plus 2 n plus 3 upon total number of factors 4 difference 1 plus c। हाँ यार, एक काम करते हैं ना, माइनस 2 को बाद में करता हूँ, ठीक है। n is equal to put करोगे 1 तो यहाँ पे भी c कितना आ जाएगा 0, 4 4 कैंसिल हो जाएगा c से, ठीक है। So finally, Sn है this, n n plus 1 n plus 2 n plus 3 n plus 4 upon 5। हाँ, और क्या था यहाँ पे, ये minus 2 times 2 times n plus 1 n plus 1 second is plus n n plus 1 n plus 2 n plus 3 upon 4। इसमें क्वेश्चन है s 10, n is equal to put करोगे कितना 10। हाँ बिल्कुल क्लियर। हाँ, एक क्वेश्चन आपको ये भी सॉल्व करने के लिए बोला था, 2n minus 1 upon n n plus 1 n plus 2, इसको एक काम करो सेपरेट कर लो, तो n कैंसिल, ये हो गया 2 upon n plus 1 into n plus 2 और ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन n plus n into n plus 1 into n plus 2। ये समीशन भी इजीली फाइंड कर सकते हैं टू टर्म के डिफरेंस में एक्सप्रेस करके, ये भी फाइंड कर सकते हो इजीली टू टर्म के डिफरेंस में एक्सप्रेस करके। ये दो क्वेश्चन ही आपको होमवर्क के लिए बोला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, और कोई क्वेश्चन रिमेनिंग है बोलो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3, कॉलम मैचिंग 1 एंड कॉलम मैचिंग 1 का डी एक्सप्लेन, क्या बोल रहे हो, 1 का डी, 1 का डी, हां 1 का डी देख लेते हैं। 1 का डी, द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ओके आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, द वॉल्यूम इज 27 देन द टोटल सरफेस एरिया इज 78, तो वॉल्यूम तो पता ही है सब लोगों को, मेरे हाथ से समझा। कोई डाउट सर, इफ एक्स वाई जेड इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन,
सी में देखो सुनो, ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए ना, तो रेदर देन आप पूरा उसको सॉल्व करने बैठो, आप थ्री टर्म्स कंसीडर कर लो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? इसमें इजीली होता है, लेकिन वो 2y को x प्लस से लिखेंगे हाँ हाँ वो फिर तो हो ही जाएगा इस... यार, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। फिर भी मतलब दिक्कत आ रही है तो कर सकते हो। नेक्स्ट बताओ, कॉलम में और कोई डाउट है किसी को बताओ। ठीक नहीं सर। हाँ सर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो एडवांस टेस्ट होगा उसमें कॉलम मैचिंग आएंगे पैराग्राफ के प्लेस पे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, एक्सरसाइज टू पे आते हैं, एक्सरसाइज टू पार्ट वन। क्वेश्चन 15 सर, फर्स्ट वाला डायरेक्ट फर्स्ट फिफ्थ वाला। फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, यार फर्स्ट तो डिस्कस किया था हम लोगों ने पहले। वो नोट डाउन नहीं कर रहे, बाद में सॉल्व कर, तो नहीं होगा था। चलो कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इफ 1 2 3 आर द फर्स्ट टर्म्स, 1 3 5 आर द कॉमन डिफरेंसेस, s1 s2 s3 आर द समेशन ऑफ एन टर्म्स ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। देखो s1 का मीनिंग ये है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस भी है 1, और s1 का मीनिंग हो गया समेशन ऑफ एन टर्म्स फॉर फर्स्ट सीरीज। ओके, सो s1 है n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इनटू D1 t, तो ये आ गया कितना n प्लस 1 1। फिर आप फाइंड करो s2, s2 सेकंड सीरीज है, फर्स्ट टर्म है वहां पे 2 और कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 हाँ तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इनटू D t। फिर s3 थर्ड सीरीज के एन टर्म्स का समेशन, फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस है 5, है। s3 आ गया 3 अपॉन n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इनटू यानी 5n+1, समझ गए? अब हाँ आपको चाहिए इन सब का समेशन अप टू sp यानी कि p टर्म्स, ठीक है? तो s1 प्लस s2 प्लस s3 अप टू sp n अपॉन 2 कॉमन, समझ रहे हो? हाँ और फिर इनका समेशन, तो 1 1 1 1 1 1 अप टू p टाइम्स यानी कि p n कॉमन, और रिमेनिंग है 1 + 3 + 4 + 7, स्क्वायर समेशन ऑफ ऑड नंबर्स कितना होता है? नहीं, p स्क्वायर, p टर्म्स है इसलिए। तो एन। हाँ हाँ, तो ये इसका आंसर हो गया, इसमें p वगैरह कॉमन ले लो आंसर। नेक्स्ट बताओ, थर्ड सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन 15 देखते हैं। द समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज इज एन इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन टू, समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ओके, वेयर एन इज इवन, इफ एन इज ऑड देन द समेशन इज। देखो क्वेश्चन ये है, जैसे 1 स्क्वायर + 2 × 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 2 × 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 2 × 6 स्क्वायर एस एन गिवन है एन एन प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, बट दिस समेशन इज वैलिड ओनली इफ एन इज गिवन। इवन नंबर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एस एन वेयर एन इज। हाँ, मतलब आपको 2 टर्म्स का समेशन निकालना है ना, तो एन इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, 4 टर्म्स का समेशन निकालना है तो एन इज इक्वल टू 4 पुट कर दो, 100 टर्म्स का समेशन निकालना है तो एन इज इक्वल टू 100 पुट कर दो, बट केवल इवन टर्म्स का ही समेशन फाइंड कर सकते हो आप यूजिंग दिस फॉर्मूला, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक? सर ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट Sn वेयर n इज ऑड टर्म्स, मतलब ऑड टर्म्स का समेशन का फॉर्मूला ऐसे डिराइव करना है। अब इसके लिए क्या करें, देखो n इवन है ना, n इवन है और आपको चाहिए ऑड टर्म्स का समेशन, तो एक काम करते हैं, जैसे 1 स्क्वायर 2 × 2 स्क्वायर 3 × 3 स्क्वायर, फिर 2 × 4 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर, 2 × 6 स्क्वायर, यहाँ पर n है इवन। ओके, तो थोड़ा सा केयरफुली इसको ऑब्जर्व करते हैं ना, तो 2 × 2 स्क्वायर आ रहा है, फिर फोर्थ टर्म में 2 × 6 स्क्वायर आ रहा है, सिक्स्थ टर्म में 2 × 6 स्क्वायर आ रहा है, तो nth टर्म में क्या आ रहा होगा, 2 × 2। एंड यहां तक n है इवन और ये इवन टर्म्स का समेशन हो गया, इसके बाद में क्या आ रहा होगा, ऑड टर्म या इवन टर्म, और ये आ रहा होगा कितना, एन प्लस वन स्क्वायर। ये क्लियर हुआ?
मैं फाइंड कर रहा हूं एस एन प्लस वन, ठीक है, एन इवन, तो एन प्लस वन डेफिनेटली एन टर्म का समेशन तो ये रहा, ये तो ऑलरेडी गिवन है, इसमें कितना ऐड कर दो, ये कैसे फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म में है वन स्क्वायर, थर्ड टर्म में है थ्री स्क्वायर, फिफ्थ टर्म में है फाइव स्क्वायर, तो एन प्लस वन टर्म में क्या होगा, एन प्लस वन स्क्वायर, वेयर एन इज इवन नंबर, एन प्लस वन अपन में वो अगर हम टू का समेशन ले तो फर्स्ट टर्म भी इंक्लूडेड है ना उसमें, फिर से बोलो फर्स्ट टर्म में, अगर हम टू टू टर्म्स का समेशन लेंगे तो उसमें फर्स्ट टर्म भी इंक्लूडेड होगा, हाँ बिल्कुल होगा, फर्स्ट प्लस सेकंड नहीं, तो बिल्कुल है, तो ये क्वेश्चन है एस एन, यार एस टेन का मीनिंग क्या होता है, टेन टर्म्स का समेशन होता है ना, हाँ तो टेन टर्म्स का समेशन का मतलब तो ये होता है ना कि फर्स्ट से लेकर के टेंथ तक जितने भी टर्म्स आ रहे हैं सबका समेशन, हाँ तो और तो इंक्लूड होंगे ही ना उसमें, क्या प्रॉब्लम है, तो फिर इधर प्लस एन प्लस वन होल स्क्वायर क्यों फिर से लेंगे, क्या बोलो फिर से बोलो, अगर हम n इवन टर्म्स का समेशन n इनटू n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 लेंगे, हाँ, तो उसके पीछे वाले जो ऑड टर्म्स है वो इंक्लूड होंगे उसमें, भाई सब इंक्लूड होंगे, तो फिर से n प्लस 1 होल स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैं इसके आगे जा रहा हूँ, मैं इस फॉर्मूले को यूज थोड़ी कर रहा हूँ, मैंने ऐसा लिखा क्या कि sn प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 इनटू n प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, ये लिखा क्या बताओ, नहीं आपको 51 टर्म का समेशन चाहिए लेट से, तो 50 टर्म्स के समेशन के लिए तो फॉर्मूला गिवन है, हाँ 51st टर्म अपने आप से ऐड कर दो, ऐसे ही n इवन नंबर है तो n प्लस 1 क्या हो गया, ऑड, इसके लिए फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते ना कोई, क्योंकि है ही नहीं फॉर्मूला, फॉर्मूला तो बनाना है हमें इसके लिए, हाँ बट इतना तो कर सकते हैं ना, बट इतना तो कर सकते हैं ना कि एस एन प्लस 1 के अंदर n टर्म्स का समेशन, ये तो फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो, हाँ इसमें एक्स्ट्रा ये वाला टर्म ऐड कर दो, नहीं कर सकते क्या, हाँ सर, हाँ अभी क्या बोल रहे बताओ, नहीं कुछ नहीं, ओके, हाँ सर, जैसे आपको 51 टर्म का समेशन चाहिए, तो 51 टर्म का समेशन में ये लिख सकता हूँ ना कि 50 टर्म्स तक का समेशन तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, हाँ, 50 51 स्क्वायर अपॉन 2 और 51st टर्म अलग से ऐड कर दो, 51st टर्म क्या होगा, 51 स्क्वायर, वो कैसे पता चल रहा है, सीक्वेंस को देख के पता चल रहा है, हाँ सर, हाँ, तो ये हो गया अभी sn plus 1, n even तो sn, सॉरी n even तो n plus 1, और हाँ इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, n plus 1 होल स्क्वायर आ गया है कॉमन और रिमेनिंग है n upon 2 plus One. ये है एस एन प्लस वन, अब एक सेकेंड के लिए क्या करो, एन प्लस वन की जगह पर के रख दो, यानी एस के, वेयर के इज डेफिनेटली ऑड, एन प्लस वन की जगह पर के, तो ये हो गया के स्क्वायर, के प्लस वन अपॉन टू, एन प्लस टू आ गया, एन प्लस टू को रख सकता हूं मैं, एन प्लस वन प्लस वन, यानी के प्लस वन अपॉन टू, एस के आ गया ये, वेयर के इज ऑड, हाँ क्वेश्चन में एस के नहीं है, क्वेश्चन में है एस एन, वेयर एन इज ऑड, तो के की जगह पे क्या रख दो अभी, ऑप्शन आ गया है ऑप्शन सी, करेक्ट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, टी आर एंड एस आर वी द आरथ टर्म एंड समेशन अप टू आर टर्म्स ऑफ अ सीरीज रेस्पेक्टिवली, इफ फॉर एन ऑड नंबर, ऑड नंबर के लिए आपको एन टर्म्स का समेशन गिवन है एन, 99 टर्म्स का समेशन 99, 101 टर्म्स का समेशन 101, 51 टर्म का समेशन 51 ऐसा, एंड tn भी गिवन है, वेयर n इज अगेन क्या था यहां पर, ऑड नंबर, और फिर आपको चाहिए क्या, tn, इसमें सीक्वेंस जैसा कुछ गिवन नहीं है, sn गिवन है n और tn गिवन है tn माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, ये दोनों वैलिड है ओनली फॉर n इज इक्वल टू, now we have to determine क्या tm, where m is even, ऐसा ये क्वेश्चन है, तो ठीक है सोचते हैं इसको, तो क्या करना चाहिए,
देखो आप इससे एस एन माइनस वन फाइंड नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना, ये नहीं लिख सकते आप, क्योंकि एन है ऑड, तो एन माइनस वन क्या हो गया, वन के लिए नहीं पता एक्सप्रेशन, जस्ट ऑड के लिए पता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टी एन को देख के माइंड में ये आता है एस एन माइनस, एस एन तो पता है आपको, बट एस एन माइनस वन नहीं लिख पाओगे, समझ रहे हो, क्योंकि एन है एन है ऑड, तो एन माइनस वन हो गया इवन, कोई इशू नहीं है। एस एन नहीं लिख सकते तो एस एन माइनस टू लिख सकते हैं, एन ऑड तो एन माइनस टू भी, हाँ दोनों केसेस में फॉर्मूला पता है, गिवन है, मतलब पता क्या गिवन है, एस एन है एन, तो एस एन माइनस टू क्या हो गया, एस एन माइनस एस एन माइनस वन होता है टी एन, तो एस एन माइनस टू क्या होना चाहिए, टी एन प्लस, टी एन प्लस टी एन माइनस, हाँ टी यहाँ पे हर जगह पर एन क्या चल रहा है, टी एन ऑलरेडी गिवन है दिस, टी एन माइनस वन ये नंबर क्या हो गया, इवन, ये नंबर हो गया अभी इवन, ठीक है, ये हो गया टू। अब एक काम करो, एन है ऑड, तो एन माइनस वन है इवन, और इसकी जगह पे आप क्या यूज कर लो, लेट्स से इसको इवन नंबर को एम बोल दिया हमने, तो ये हो गया टी एम अपॉन एन स्क्वायर प्लस टी एन, ठीक है, एलसीएम है दिस, ये कॉमन, और ये हो गया एस ए, और ये हो गया टू, यानी टी एम इज इक्वल टू टू एन स्क्वायर, नहीं लिख सकते, एन माइनस वन को रखा है एम, तो एन क्या हो गया, हाँ तो टू टाइम्स एम प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन एम प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि टी एम है, ऑप्शन भी सारे एम के फॉर्मेट में ही है, इसलिए एन की जगह पे एम सब्स्टिट्यूट किया हमने, तो इसमें आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी। काफी अच्छे क्वेश्चन है दोनों, एक बार डिस्कशन के लेक्चर के बाद में आप लोग इनको फिर से रिवाइज कर लें। नेक्स्ट बताओ सर, 21 17 in 1920, प्रथम कितना सॉल्व किया तुमने, मतलब एक्सरसाइज वन पूरा हुआ है, ये थोड़ा एक्सरसाइज टू बाकी, कितना टाइम हो गया होमवर्क दिए, काफी टाइम हो गया ना, देखो तुम समझने का ट्राई करो, इस तरीके से लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं लगता है ना, ठीक है, लड़ने झगड़ने के लिए थोड़ी हम लोग आते हैं यार, यहाँ पे मिलते नहीं है ना लड़ने झगड़ने के लिए, तो हम लोग कि मैं बोलूं फिर मैं तुम्हें डांटूं फिर तुम लोग अपना मूड खराब करो, बेटर है जो वर्क दे रहे हैं उसको प्रॉपर टाइम पे सॉल्व करके बस डिस्कस कर लो खत्म, और जब टाइम मिलता है तो आराम से जो तुम्हारे हॉबीज वगैरह है वो कर लो, क्यों हमेशा ऐसे डांटने वाली बातें करना। कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है फिर इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 21 द सम ऑफ दिस सेवन, देखो यार इसमें आपको वही करना है, nth टर्म लिख के उसको टू टर्म के डिफरेंस में ब्रेक करना है, तो डायरेक्ट nth टर्म के बारे में सोचते हैं कि nth टर्म क्या होना चाहिए, nth टर्म का मीनिंग ऐसे कुछ हो गया कि n is equal to 1 पुट करने पर आपको ये दिखे, n is equal to 2 पुट करने पर ये दिखना चाहिए, n is equal to 3 पुट करने पर ये दिखना चाहिए, तो क्या आएगा बताओ, 3 टू द पावर n तो आना चाहिए, ये तो कंफर्म है, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, 7, 9, 11, ये है arithmetic progression, a plus n, 1 into, ये हो गया 2n plus 5, n is equal to 1 put करोगे तो 7, n is equal to 2 put करोगे तो 9, n is equal to 3 put करोगे तो 11, 1n plus 2 into n plus 3, n plus 2 नहीं होना चाहिए, n plus 1 होना चाहिए, n is equal to 0 से start नहीं कर रहे थे, हाँ, n is equal to 1 put करोगे 2, n is equal to 2 put करोगे 3, n is equal to 3 put करोगे 4, और इसमें कितना ऐड कर दोगे 1, करेक्ट, ओके, n 2n plus 5, n plus 1, n plus 2 और 3 to the power n, ठीक है, तो वो n plus 2n plus 1 into n plus 2 के जगह 2n plus 5 minus 1 में लिख सकते हैं, 2n plus 5 minus 1, वो 7 और 6 ऐसा,
कहाँ पे है सेवन और सिक्स? लेकिन नाइन और ट्वेल्व डिफरेंट है, तो वो बोल रहे हैं सेवन अपॉन सिक्स है, तो वो एन अपॉन एन माइनस वन के फॉर्म में सा। पता नहीं है तुम लोग क्या सॉल्व करते हो घर पे कि तुम्हें इस टाइप के डाउट डिस्कशन क्या डिस्कशन के टाइम पे आता है। 2n plus 1 upon n plus 1, n plus 2, और ये है 3 to the power n. ये क्वेश्चन ऐसे ही है जैसे क्लास में किया था, और यहाँ पे था ये 2 to the power, और यहाँ पे क्या है 3 to the power, ठीक है। सेम वैसे ही ब्रेक करोगे n plus 1, और यहाँ पे रखा 3 to the power n minus 1, बताया था ना consecutive जैसा लेते हैं, और यहाँ पर n प्लस टू थ्री टू द पावर n, एलसीएम आएगा n प्लस वन n प्लस टू और थ्री टू द पावर n, एक्स्ट्रा है यहाँ पर इस जगह पर थ्री टाइम्स n प्लस टू, और यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना आने वाला है बोलो n प्लस वन। डिफरेंस आप देखते हो तो ये बन गया है अभी 2n और प्लस सिक्स माइनस वन यानी कि फाइव, करेक्ट है। वन वन एक्स्ट्रा कुछ भी डिवाइड वगैरह करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, पुट करो एन इज इक्वल टू वन, तो ये हो गया दिस, और ये कितना हो गया दिस, फिर एन इज इक्वल टू पुट करोगे कितना टू, कैंसिलेशन वगैरह होना चाहिए, देखते हैं। तो टू प्लस वन यानी कि थ्री, और थ्री टू द पावर वन, एन इज इक्वल टू टू यानी फोर इंटू थ्री स्क्वायर, फिर n इज इक्वल टू पुट करोगे आप 3 यानी कि एक बार एक्सप्लेन करो ना, क्या बोल रहे हो आप, सेकंड स्टेप के बारे में एक्सप्लेन करो। ये कुछ नहीं, बस वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करा। नहीं नहीं, वो सेकंड स्टेप कैसे आया ये स्टेप? हां तुमने ये क्वेश्चन एक बार रिवाइज किया था कर जा करके? हां सर, तो सेम वही है, तो बिल्कुल सेम वही है, तुम देखो को r r plus 1 2 to the power r plus 1, n plus 1 n plus 2 3 to the power n, बस n की जगह पे n plus 1 है वहां, सेम ही है। पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं, टू टर्म के डिफरेंस में एक्सप्रेस करते हैं। ये सब बताया था कि 3 को एक तरफ नहीं कर सकते, 3 को एक तरफ करोगे एलसीएम लोगे तो इसके ऊपर फिर 3 to the power आएगा, वो तो है नहीं यहां पे, तो कुछ टर्म लेफ्ट साइड रखते हैं कुछ टर्म राइट साइड रखते हैं, कंपनसेट करने का ट्राई करते हैं, सच दैट एलसीएम लेने पे ये आना चाहिए न्यूमरेटर में, या ये नहीं आता है तो जस्ट 3 + 2 - 1 का क्वेश्चन क्या है, ये तो एलसीएम लोगे ना, एलसीएम ही तो आएगा इसका n + 1 n + 2 और 3 टू द पावर n, फिर ये डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा एक्स्ट्रा फैक्टर, एक तो n + 2 आ रहा है और कितना आ रहा है 3n, बिल्कुल नहीं 3 टू द पावर 1 आ रहा है ना बेटे, ये है 3 टू द पावर n और ये है 3 टू द पावर n माइनस 1, तो 3 एक्स्ट्रा है 3, हां सर, तो 3 टाइम्स n + 2 फिर माइनस साइन और फिर ये करोगे डिवाइड, n + 2 से 3 टू द पावर n से में एक्स्ट्रा कितना आ रहा है n + 1, हां सही, फिर इसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो और टर्म डायगोनली क्या हो गए कैंसिल, ऐसे ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, सही है। क्वेश्चन था इसमें क्या क्वेश्चन था, अप टू 10 टर्म्स, तो ठीक है लास्ट में n इज इक्वल टू 10 पुट करना, तो लास्ट में आपको रहेगा एक तो ये 1 अपॉन 2 और एक यहाँ पे रहेगा टर्म, यानी इसमें n इज इक्वल टू 2 रहेगा, n इज इक्वल टू 10 वाला टर्म रहेगा, मेन तो यही है इसको ब्रेक करना, बाकी तो सिंपल ही है। नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन 18 में डाउट था 18, क्वेश्चन 18, इफ a1 a2 a3 an आर पॉजिटिव रियल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज अ फिक्स्ड नंबर c, बताया था कभी भी वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करने पे कैंसिल हो जाती हैं चीजें, अदरवाइज प्रोडक्ट गिवन है, तो और पॉजिटिव नंबर्स भी है, तो डेफिनेटली क्या यूज करना चाहिए आपको, am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, gm am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, am का मतलब सबको ऐड करोगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है, तो ऐड कर देते हैं a1 plus a2 plus a3 up to 2an upon n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है इसके अंदर, बस लास्ट वाला टर्म जो है वो डबल है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन सबका मल्टीप्लिकेशन टू द पावर,
मल्टीप्लाई करोगे तो सी नहीं आएगा, आएगा टू सी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऑप्शन आ गया है, ऑप्शन ऑप्शन बिल्कुल। नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस कर लेते हैं। 22 या 20? 22 The value of r is equal to 0 से n, r is equal to 0 to n, a plus r plus ar और minus a to the power r। ये question exam में आता है तो best है आप इसमें n की value put कर दो। जैसे n is equal to, let's say put करते हैं 1, यानी ये summation जाना चाहिए r is equal to 0 और फिर r is equal to 1, option match कर लो। अभी proper solve कर लेते हैं, r is equal to 0 to n, a plus r प्लस ए आर और माइनस ए टू द पावर आर, ये क्वेश्चन है। ओके, तो एक काम करते हैं, इसमें ये सेपरेट करने का ट्राई करते हैं। ये हो गया ए टाइम्स आर प्लस वन प्लस आर और माइनस ए टू द पावर आर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, माइनस ए टू द पावर आर को लिखा मैंने ऐसे, सही है, और फिर ये करोगे अंदर मल्टीप्लाई तो ये बन गया आर प्लस वन ए टू द पावर r plus 1 plus r times a to the power r और minus 1 to the power r। हाँ, minus 1 to the power r से क्या होता है, टर्म आपको प्लस माइनस मिलता है। नेगेटिव टू द पावर इवन नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव टू द पावर ऑड नंबर नेगेटिव। जैसे r is equal to 1 पुट कर रहा हूं मैं, नेगेटिव r is equal to 1 पुट करो इसमें तो ये बन गया ऐसे, करेक्ट है। फिर r is equal to पुट करो 2 तो ये बन गया फिर ऐसे। फिर r is equal to पुट करो आप 3 तो ये बन गया फिर ऐसे, करेक्ट है। और लास्ट में r is equal to कहां तक था क्वेश्चन, ये r is equal to n तक, तो ये बनेगा माइनस 1 टू द पावर n। ये नहीं लिख रहा हूं मैं, बस ऐसे सोच लो अपने आप से कि r की जगह पे क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे n, और फिर आप करोगे इन सब को ऐड, तो कुछ कैंसिलेशन हो रहा है। मतलब ऐसे कर सकते हैं क्या, ऑब्जर्वेशन मतलब 1 पर पुट करने पर a के ऊपर कोएफिशिएंट है वो n plus 1 है और पावर भी n plus 1 है, वैसे n is equal to 1 पुट करने पर। हाँ मतलब कंपेयर करके अगर क्या, तो देखो पुट करके तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। जैसे तुम n is equal to 1 पुट कर दो इसमें, ठीक है, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि कभी भी वेरिएबल्स के फॉर्म में क्वेश्चन है ना, तो आपको वैल्यूज ही पुट करना चाहिए। आप इसमें n is equal to 1 पुट कर दो। n is equal to 1 पुट करने का मीनिंग ये हो गया कि समेशन पहले r is equal to है 0, फिर r is equal to कितना है 1, r is equal to 0 रखो तो ये 0 ये 0 रिमेनिंग है ये और ये ही रिमेनिंग है बस। फिर r is equal to 1 रख दो इसमें तो a plus 1 plus a और ये भी minus a, करेक्ट है। ये हो गया अभी a माइनस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस ए स्क्वायर, यानी माइनस 2a2। अब ऑप्शंस के अंदर n is equal to 1 पुट करके चेक करो कि माइनस 2a2 कहां पे आ रहा है। मोर देन वन ऑप्शन में आ रहा है तो फिर n is equal to कुछ और रखो। जैसे ऑप्शन a में चेक करते हैं ना, n is equal to 1 ऑप्शन a नहीं आएगा, ऑप्शन b n is equal to 1 रख रहे हैं हम लोग, n is equal to 1 इसमें आ रहा है, आएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, नहीं आएगा, 3 आ गया ना, 3 तो पॉसिबल ही नहीं। ऑप्शन डी में भी नहीं आ रहा है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है, डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। हाँ, बट सपोज करो ऐसे कुछ रहा होता, 51 टर्म का समेशन, 50 टर्म का समेशन, 80 टर्म का समेशन, तो पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कैंसिल, उसके बाद फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव भी कैंसिल, ये कैंसिल ये कैंसिल, यानी रिमेनिंग है दिस टर्म और एक दिस टर्म ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। If the common difference of arithmetic progression in which T7 है 9, T1, T2, T3 is least. Okay, so T1 को रखा A, T2 हो गया A plus D और T7 क्या हो गया A plus. नहीं, ये तो given ही है ना already. कितना given है ये? 9.
हाँ तो क्यों फिर वेरिएबल रखना है? a plus 6d ये गिवन है आपको, नहीं दिस एक्सप्रेशन शुड बी लीस्ट। आप एक काम करो, पहले तो कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दो। क्या एलिमिनेट करने बताओ, a या d, कुछ भी कर सकते हो। a कर लेते हैं, तो इसके प्लेस पे रखा 9 minus 6d और ये हो गया 9 minus 5d, इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 30d स्क्वायर माइनस 54 और माइनस 45 पूरा 45 यानी माइनस 90 मिलेगा आपको मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन क्या गिवन है इसके अंदर? 20d की वैल्यू। हाँ डी पूछा है तो ठीक है, 8d की वैल्यू है आपके, सही है भाई, इनपुट तो डी है ना, क्वेश्चन ये रहा होता फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी माइनस का डी अपॉन। और काफी लोग उसमें 9 मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, मत करना अभी, मत भूलना सॉरी, अभी तो क्वेश्चन है जस्ट इनपुट यानी कि डी, और इसको मल्टीप्लाई करोगे विद 20 यानी आंसर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन नंबर 4। If a plus b upon 1 minus ab, comma b, comma b plus c upon 1 minus bc. Okay, are in arithmetic progression, alpha and beta are the roots of the equation this. Then 1 plus alpha into 1 plus beta is equal to. देखो यार 1 plus alpha, 1 plus beta ये तो इसने factorization use किया है ना? 2ac sorry. 2ax square plus 2abcx plus a plus c. Every polynomial can be expressed in terms of its zeros. Roots using factorization. यहाँ पे apply करते हो आप leading coefficient, maximum degree का coefficient. Question है 1 plus alpha into 1 plus beta, यानी x is equal to कितना put किया होगा इसने? Minus. Positive है तो negative put करते हैं, negative है तो positive value put करते हैं. ये बनेगा minus 1 minus alpha, minus common यानी कि 1 plus alpha, minus common 1 plus beta, minus minus plus. तो ये कितना बन गया अभी? 2a minus का 2abc और plus a plus. यानी 3a, simplify कर रहे हैं अभी तो है ना, अभी पता नहीं क्या करना है आगे, simplify कर रहे हैं. ये expression चाहिए आपको, 3a minus 2abc plus c. Okay. अभी इसमें information ये given है कि these three terms are in arithmetic progression. Arithmetic progression में है, तो middle term का double is equal to first term plus last term b plus c upon 1 minus bc. देखो अब क्या होता है ना, एक method तो ये कि आप उसको simplify करने बैठ जाओ अच्छे से, LCM लेना ही पड़ेगा, वो तो कोई चांस ही नहीं। LCM लोगे फिर multiply वगैरह करोगे, cross multiply करोगे, transposition करोगे, 101% इसमें factorization भी use होगा, बीच में कहीं तो जाकर factors करोगे, सॉल्व करते रहोगे, लगभग 7-8-9-10 स्टेप के आसपास लगेंगे इसमें। एक मेथड ये कि अपने आप से ए बी सी की वैल्यूज कंसीडर कर लो, बट ऑल थ्री वैल्यूज कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी टू वैल्यूज कंसीडर कर लो कोई भी और इसके अकॉर्डिंग थर्ड फाइंड आउट करेंगे। बताओ कोई भी दो नंबर ए और बी, वन और टू रख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग सी फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गया 4, ये हो गया 3 अपॉन 1 माइनस कितना 2 है ना, प्लस b प्लस c यानी 2 प्लस c अपॉन 1 माइनस उसी, इसलिए मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 3 अपॉन माइनस 1 हो गया माइनस का 3 यानी इधर आ गया प्लस 3 यानी 7, 2 प्लस c अपॉन 1 माइनस उसी, 7 माइनस 14 c इज इक्वल टू 2 प्लस c यानी कि दिस, यानी कि दिस C is equal to 1 upon 3. हाँ, आपको फाइंड करना था ये एक्सप्रेशन, यहाँ पे रख दो अभी वैल्यूज। देखो कई बार क्या होता है, हम लोग ऐसे इस तरीके से वैल्यूज कंसीडर कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो आ गया ना, वो सब नहीं होना चाहिए, वैल्यूज ऐसी कंसीडर करो जिसमें प्रॉब्लम ना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो 3a ये कितना था 1 के, 3a यानी कि 3 माइनस का 2ab और c और प्लस का c, ठीक है, तो
तो ये हो गया 3 माइनस का 4 अपॉन 3 प्लस का 1 अपॉन 3, यानी आंसर आना चाहिए 2, 2 आंसर आना चाहिए। समझ गए? टू आंसर आना चाहिए बस, इसका चेक कर सकते हो चाहो तो, भी टू ही आ रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट बताओ। क्वेश्चन नंबर 6। 6 कुछ भी नहीं है यार, थोड़ा तो अपने आप से कर लिया करो भाई। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड। एक सर्कल है, इसमें स्क्वायर कर रहे हो आप इंस्क्राइब, ठीक है। देन अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर, a new square is inscribed in the circle and so on for n times. If the ratio of the limit of the summation of areas of the circle to the limit of the summation of areas of all the squares ka ratio, okay. देखो ये question है, ऐसे circle है, इसमें बना दिया आपने square, इस square के अंदर फिर से क्या बना दिया, एक circle, उसमें फिर से एक square, फिर circle, फिर square and so on. इन्फिनिटी टर्म्स। फिर क्वेश्चन है कि जितने भी सर्कल्स बन रहे होंगे उन सबके एरियाज का समेशन, स्क्वायर्स बन रहे होंगे उन सबके एरियाज का समेशन और उनका रेशियो। रेशियो के टाइम पे देख लेना कि स्क्वायर ऊपर है या सर्कल ऊपर है। एक सेकंड, एक ठीक है, तो लेट्स से सर्कल का ही फाइंड साथ में करते हैं दोनों का ना, सर्कल एरिया, सर्कल और स्क्वायर दोनों को साथ में ही रिलेट करते हैं। लेट्स से सर्कल का स्टार्टिंग रेडियस है कितना, आर। ये सर्कल वाला पोर्शन है और ये स्क्वायर वाला पोर्शन है, रेडियस आर, तो एरिया कितना हो गया इसका, पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर अभी इससे आप स्क्वायर को रिलेट करो, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, यानी साइड फाइंड करो इसका। ये 2r हो गया है ना, ये है स्मॉल a, स्मॉल a, तो डायगोनल आएगा रूट टू ए इज इक्वल टू टू आर, ए इज इक्वल टू रूट टू आर, रूट टू आर। रेडियस, एरिया, साइड, एरिया, साइड कितना आ रहा है रूट टू आर, एरिया और स्क्वायर, टू आर स्क्वायर, ठीक है, इसको हटाते हैं ना। फिर आप इधर आ जाओ, टू स्मॉल आर इज इक्वल टू स्मॉल ए, समझ गए ना? हाँ सर। यानी रेडियस है ए बाई टू, यस और नो? ए है रूट टू आर, यानी रूट टू आर बाई टू, यानी आर बाई रूट टू, ये क्लियर? ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत स्पेशल कुछ चल रहा है इसमें, सब नॉर्मली। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन टू, रेडियस था आर तो इसका साइड है रूट टू आर, अभी ये रेडियस है तो साइड होना चाहिए रूट टू इंटू दिस, यानी कितना, आर। हाँ यानी एरिया आर स्क्वायर, ये समझ में आ गया होगा, हाफ हो रहा है यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन, ये भी इनफाइनाइट टाइम्स, ये भी इनफाइनाइट टाइम्स, इनफाइनाइट प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक समेशन, ए अपॉन वन माइनस समेशन, ये हो गया टू पाई आर स्क्वायर और ये कितना आ गया। क्वेश्चन में एक बार मैं ये देख लेता हूँ कि पहले क्या टर्म उसने यूज किया, स्क्वायर या सर्कल, जो देखना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म इसने यूज किया है क्या, द रेशियो ऑफ द लिमिट्स ऑफ द समेशन ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द सर्कल्स, यानी 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 आर स्क्वायर, ये वैल्यू है के, और फिर क्वेश्चन है दिस, 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, आंसर 2, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 7 to 18 तक बताओ क्या डॉक्टर. क्वेश्चन नंबर टेन कुछ भी नहीं है यार इसमें भाई. A1, A2, A3, A2n, B अरिथमेटिक. A G1, G2, G3, G2n, B ज्योमेट्रिक. H है हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B यानी 2AB अपॉन A प्लस B. क्वेश्चन है A1 plus A2n फिर A2, A1 plus A2n. ओके A1 plus A2n ये दिख रहा है क्या कर्सर आपको? A1 plus A2n अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में स्टार्टिंग और लास्ट से पेयर्स का समेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है बिल्कुल. यानी ये वैल्यू है a plus b. दिस वैल्यू इज आल्सो a plus b. दिस वैल्यू इज आल्सो a plus b. ज्योमेट्रिक में मल्टीप्लिकेशन फिक्स होता है. ab 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 कितने टर्म्स है ये? तो a1 a2 a3 an यानी n टर्म्स है. यानी a plus b upon ab ऐसा n टाइम्स. यानी n टाइम्स a plus b upon ab. फिर क्या है क्वेश्चन में? इसको हार्मोनिक मीन से रिलेट करना है. तो h is equal to 2ab upon a plus b. हाँ. This is equal to this kn upon 20 2ab upon a plus b. a plus b cancel, n b cancel, a b b cancel. तो k is equal to कितना आ रहा है? 40 आ रहा है. just 40. answer 40. next बताओ. 14. if the number of solution of the equation this. देखो ये अच्छा question है. question है x into e to the power x plus 1 upon x e to the power x is equal to है 2a. sorry a greater than equal to given है आपको 1 यानी कि positive है. तो a greater than equal to 1 यानी ये value positive है तो definitely x भी positive ही होना चाहिए क्योंकि x negative हो गया तो ये negative और ये भी negative का summation positive कभी नहीं आता. a positive था तो 101% x भी positive है. positive numbers है. chapter sequence and series चल रहा है. मल्टीप्लाई करने पे वेरिएबल कैंसिल हो रहा है तो आपको यूज करना चाहिए क्या? तो एक काम करते हैं इन दोनों नंबर्स के लिए आप अप्लाई कर दो एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी. जी एम का मतलब मल्टीप्लाई टू द पावर 1/2. मल्टीप्लाई करोगे एक्स और 1/x कैंसिल और फिर इनको करोगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा ए टू द पावर एक्स प्लस 1/x. x प्लस 1/x के बारे में बताया था इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 2. यानी ये मिनिमम है ए स्क्वायर फिर अंडर रूट. ये अंडर रूट रहा यानी ये मिनिमम है ए. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मिनिमम 2 यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन है this always greater than or equal to 2a या तो 2a के इक्वल या 2a से हमेशा ज्यादा. राइट हैंड साइड में है is equal to 2a यानी आप इक्वलिटी यूज कर रहे हो. am is equal to gm is applicable only if all the numbers are same जिनका arithmetic geometric mean हम कैलकुलेट कर रहे हैं they should be same यानी ये दोनों लोग सेम होने चाहिए. x a to the power 1/x is equal to 1/x a to the power a. ये केवल एक ही जगह पे सेम आता है x is equal to 1 और करके देख लो आएगा इसी से. ठीक है तो x is equal to 1 ये है इसका आंसर बिल्कुल. नेक्स्ट बताओ. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो. एटीन कर लेना भी अच्छा क्वेश्चन है. समीशन गिवन है टीएन फाइंड करोगे रेसिप्रोकल करोगे टू टर्म के डिफरेंस में ब्रेक करोगे क्वेश्चन कंप्लीट. एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में और कोई डाउट? 13 एक बार क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं. इफ एबीसी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ये है यार ये तो डिस्कस किया था हम लोगों ने शीट का ही क्वेश्चन है. वहां पे मल्टीप्लीकेशन में था यहाँ पे ऐसे कुछ है c plus a minus b और ये है c upon a plus b minus
इसका फाइंड करना है आपको क्या मिनिमम वैल्यू। एबीसी साइड्स ऑफ ट्रायंगल है यानी डेफिनेटली पॉजिटिव रहा होगा। इसके अलावा टू साइड का समेशन इज ग्रेटर देन थर्ड साइड यानी ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, यानी पॉजिटिव नंबर्स हैं सभी, तो एम जीएम वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको जीएम से रिलेट नहीं करना चाहिए क्योंकि जीएम में होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पर एसएच कैंसिलेशन जैसा कुछ हो रहा है क्या बताओ? नहीं, जीएम से तो नहीं करना चाहिए इसको रिलेट, ठीक है। हम करते हैं एम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम जैसा यूज करने का ट्राई करते हैं। एम का मतलब होता है समेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एचएम। एचएम कैसे लिखते हैं? 3 अपॉन रेसिप्रोकल, समझ रहे हो ना? तो b plus c minus a upon a plus c plus a minus b upon b plus a plus b minus c upon c, तो ये बन गया अभी क्वेश्चन, ठीक है। वैसे gm से भी कर सकते हैं क्या इसको, मल्टीप्लाई टू द पावर अपॉन 3 कर तो सकते हो, वैसे कर तो सकते हो, लेकिन अभी अभी ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये हो गया b अपॉन a प्लस c अपॉन a प्लस c अपॉन b प्लस a अपॉन b प्लस a अपॉन c प्लस b अपॉन c माइनस 3। हाँ, कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं हुआ। आप एक काम करो, इसको अलग से फाइंड कर लो इस एक्सप्रेशन को, इसमें भी हम लोग एम जी एम लगा सकते हैं, समझ रहे हो ना? तो दिस अपॉन 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू द पावर 1 अपॉन 6 इन सबका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हो क्या जाएगा कैंसिल यानी कि 1, यानी इस एक्सप्रेशन का मिनिमम कितना वैल्यू है? 1 6, अरे इनटू 6 हो गया ना, 6 हां सर, तो इसका मतलब ये मिनिमम कितना है? 6 3। हां हां, ये कितना है फिर? ये 1 और फिर इनटू 3 कर दो, यानी कितना आंसर आ गया? हां ये आंसर आना चाहिए। क्या आंसर गिवन इस क्वेश्चन को देखो, चलो मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये 13। 3 दिए। एक्सरसाइज टू पार्ट टू क्वेश्चन नंबर 1 3 आंसर करेक्ट। तो कई बार ऐसे मल्टीपल स्टेप्स में भी करना पड़ जाता है हम लोग, ठीक है, कि यहाँ पे किया बट कोई बेनिफिट नहीं है, तो इसको फिर से सोचा ऐसे। नेक्स्ट बताओ, एक्सरसाइज 2 पे थे हम लोग, पार्ट 2 पे, पार्ट 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस, देखो यार ये कांसेप्ट आपको बताया था कई जगह पर, जैसे a2 - 1 है, तो a2 - 1 को वी कैन राइट a - 1 इनटू a+1, ऐसे aq - 1 को वी कैन राइट a - 1 होता है इसमें सेपरेट, और फिर आप लिखते हो उसको a2 + a+1 इनटू द पावर 4 - 1 में भी a - 1 हो जाता है सेपरेट, डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा ये, a टू द पावर 5 - 1 में भी a - 1 हो जाता है सेपरेट, डिवाइड करोगे तो फिर मिलेगा आपको ये। पैटर्न समझ में आ रहा होगा, है ना? a - 1 फिर थोड़ा 1 डिग्री कम करके स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है ये, इफ ए सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस, s इज इक्वल टू दिस, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ SR। अब देखो 1 + a + a² अप टू a टू द पावर 2016, हालांकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी इसमें यूज कर सकते हैं, बाकी ये जो समेशन है वो ये आना चाहिए a टू द पावर 2017 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, यस और नो? ठीक है, अब इसमें गिवन है आपको कि a सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस, यानी a टू द पावर 2017 के प्लेस पे वी कैन राइट 2a - 1, तो ये हो गया 2a - 2 अपॉन a - 1, 2 कॉमन a - 1 अपॉन a - 1, if a is not equal to 1, a - 1 cancel, answer 2। अरे समझ रहे हो ना, ऐसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं करते ना, लिखना पड़ेगा ना, is not equal to 1,
और इफ ए इज इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू वन सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको? वन प्लस वन माइनस टू कर रहा है, ए इज इक्वल टू वन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ए इज इक्वल टू वन पे ये बताया था, ए इज इक्वल टू वन पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का समेशन वाला जो फॉर्मुला होता है वैलिड ही होता है। ए इज इक्वल टू वन पे ऑल टर्म्स विल बी सेम, एप्पल 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 एन टाइम्स एन एप्पल्स, ये कितने टर्म्स है? 2017 ये तो करवाया था बेटे क्लास में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, साइड्स है इन ज्योमेट्री, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल है साइड्स एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। आर के अंदर बनेगा एक 4 डिग्री इक्वेशन बनेगा, आर स्क्वायर को टी रखना, आर टू द पावर 4 बन जाएगा टी स्क्वायर, फिर आर की वैल्यू फाइंड कर लेना। स्मॉलेस्ट एंगल के अपोजिट साइड स्मॉलेस्ट होती है, आर ग्रेटर देन 1 यूज करोगे तो ये बनेगा आपका स्मॉलेस्ट, यानी ये एंगल फाइंड करोगे। लेट्स से दिस एंगल है थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन तो ये पता होना चाहिए जो समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है ना, ये होता है 2n माइनस 4 इंटू, ये पता होगा फॉर्मूला है, 9th 10th में आता है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी देख लो। n साइड्स तो समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल्स आइदर 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री और n माइनस 2 इंटू 180 ट्रायंगल के केस में इज इक्वल टू 3 180 डिग्री आ जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल केस में इज इक्वल टू 4 360 डिग्री आ जाएगा, पेंटागन केस में इज इक्वल टू 5 कुछ तो आ जाएगा ऐसा। तो ये है टोटल समेशन 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, और लेट्स से n साइड्स हैं, स्मॉलेस्ट एंगल है 120 डिग्री, कॉमन डिफरेंस है 5 डिग्री, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी लिख सकते हो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 5। हाँ, ये इक्वेशन सॉल्व करोगे अभी, फिर n की वैल्यूज फाइंड करोगे। ओके, समझ गए? हाँ सर। तो बस हो गया, okay. इसमें क्या होता है, अभी तो ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट है, तो n की दोनों वैल्यूज एक्सेप्ट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। n के दो वैल्यू निकल जाएंगे चेक करना, तो n के टू वैल्यूज आते हैं। कई बार स्टेटमेंट ये गिवन होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है कि कोई भी एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री नहीं होता, समझ गए? हां, तो n यूज करोगे सच दैट कि मैक्सिमम एंगल आपका 180 डिग्री से कम ही आए, बट अभी तो ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, तो दोनों वैल्यूज का सकते हैं। नेक्स्ट बताओ, 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 है दिस, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स पॉजिटिव इज इट ट्वाइस देयर ज्योमेट्रिक मीन देन ए रेशियो बी इज, अरिथमेटिक मीन इज ए प्लस बी अपॉन 2 और ट्वाइस ज्योमेट्रिक मीन यानी रूट ए बी, ए और बी पॉजिटिव नंबर्स है तो ज्योमेट्रिक मीन इज रूट ए बी, ए और बी नेगेटिव नंबर्स होते हैं देन ज्योमेट्रिक मीन इज माइनस रूट ए बी, समझ गए? हां जी, ठीक है। दोनों साइड करते हैं स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 स्क्वायर इनटू 2 स्क्वायर यानी कितना 16 ए स्क्वायर माइनस 14ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होमोजेनियस एक्सप्रेशन होमोजेनियस इक्वेशन है क्योंकि हर टर्म में टोटल पावर कितनी आ रही है, सेम आ रही है, तो हर टर्म में टोटल पावर सेम आती है, तो उनको होमोजेनियस एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसका स्पेशलिटी क्या होता है, रेशियो इजीली फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन में फाइंड करना है आपको ए रेशियो बी, अब एक काम करो इस इक्वेशन को दोनों साइड बी स्क्वायर से डिवाइड करके ए अपॉन बी को टी रख दो, तो ये बन गया टी स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस का 14 टी और ये बनेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू ऑफ टी फाइंड कर, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंपोजिट, ये तो अपने आप से करना है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार अपने आप से ट्राई करो, इसमें कोई कांसेप्ट नहीं है, मतलब सर
मतलब ये कि जैसे ऑप्शन ए है 1111111 अप टू कितना 91 डिजिट्स, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 1 + 10 + 100 + 1000 + 10000, समझ रहे हो? तो ये एक तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे होंगे 91. फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे a into common ratio to the power number of terms minus 1 upon common ratio minus 1. हाँ ठीक है, अब ये है 10 टू द पावर 19 माइनस 1 अपॉन 9, ठीक है. अब 10 टू द पावर जो 19 है ना, इसमें मिलेंगे आपको काफी सारे जीरोस, फिर करोगे माइनस 1 तो मिलेगा 99999, अपॉन 9 करोगे तो फिर 111, वो तो सेम ही आ रहा है. क्वेश्चन है डिटरमाइन करना है आपको कंपोजिट है या फिर प्राइम नंबर है. कंपोजिट नंबर में क्या होता है, टू फैक्टर्स मिलने चाहिए, और प्राइम नंबर में दो फैक्टर मिलते हैं जिनमें से एक फैक्टर होता है एग्जैक्टली ठीक है. अब 10 टू द पावर 91, इसको आप लिख सकते हो लाइक 10 टू द पावर 7 टू द पावर 30 माइनस 1, समझ रहे हो? ठीक है, एक सेकंड के लिए इसको लिख रहा हूं मैं टी. और भी कुछ लिख सकते हैं 91 को? 91 को लिखा आपने 3 4 5 6 7 ही लिखना पड़ेगा, तो यही आएगा. इसको वी कैन राइट टी माइनस वन, समझ गए? इनटू टी टू द पावर 12 प्लस टी टू द पावर 11 प्लस टी टू द पावर 10 अप टू वन, वेयर टी इज 10 टू द पावर टू द पावर 7, ये है 10 टू द पावर 7 माइनस 1, ओके, अपॉन में था 9 और एक टर्म है ये, यस और नो? यस सर. ठीक है, 10 टू द पावर 7 में काफी सारे जीरोस, करोगे माइनस 1 तो 9999 जैसा कुछ मिलेगा, यस और नो? नहीं समझ में आया सर. बेटा थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो अपना भी, 1000 माइनस 1 करने पे 999 जैसा ही कुछ आता है ना. देखो तुम एक चीज समझने का ट्राई करो यार, मैथ्स के अंदर अपना दिमाग लगाना बहुत जरूरी है. हर चीज को ऐसे मत सोचो कि सिखाएंगे तभी समझ में आना चाहिए, ठीक है? हाँ सर, वरना कुछ नहीं कर पाओगे फाइनल एग्जाम में, बता रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत रैंडम आते हैं मैथ्स में. ठीक है, तो 10 टू द पावर 7 माइनस 1, 10 टू द पावर 7 में काफी सारे जीरोस होंगे, कितने जीरोस होंगे वो भी देख सकते हो, 7 जीरोस होंगे, माइनस 1 करने पे 999 जैसा कुछ आएगा, नहीं? हां, अपॉन 9 करने पे 111 जैसा कुछ आएगा. तो एक टर्म तो ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, इनमें से कोई भी टर्म 1 है क्या? नहीं. तो यानी टू डिफरेंट फैक्टर्स मिल गए आपको, और जैसे टू डिफरेंट फैक्टर्स मिल गए वो नंबर प्राइम नंबर नहीं रहा, वो क्या बन गया? हाँ, ऐसे ही बाकी ऑप्शन भी सॉल्व करोगे, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट बताओ. सर वो बाकी के 3 से डिविजिबल है तो ऐसे करके डायरेक्ट बोल सकते हैं ना? बिल्कुल बोल सकते हो, ऑप्शन ए में नहीं बोल सकते लेकिन. हाँ. बिल्कुल बोल सकते हो, जैसे ऑप्शन बी समेशन ऑफ डिजिट्स आर 81 डिविजिबल है बाय 3 यानी कि कंपोजिट. 105 भी समेशन आ रहा है 3 से डिविजिबल है कंपोजिट. 75 ये भी कंपोजिट, ऑप्शन ने बता दिया कंपोजिट यानी ऑल आर कंपोजिट, ऑप्शन ए बी सी डी करेक्ट. बिल्कुल सही है, मतलब जहां पे शॉर्ट ट्रिक चल गया वहां पे शॉर्ट ट्रिक यूज कर लिया, जहां पे ट्रिक नहीं चल पाया जैसे ऑप्शन ए में नहीं चला तो थोड़ा दिमाग लगाया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. चलो फिर आज इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है? अभी जो बच गया है वो कंप्लीट कर लो, दिस और एक्सरसाइज 3 और लास्ट का ये जो एचएलपी है ये काम चला गया, ये रहा, नेक्स्ट सम पे ये डिस्कस करेंगे, ठीक है? एचएलपी से पहले चाहो तो शिंगे सॉल्व कर लेना, इसके पहले शिंगे सॉल्व कर लेना, और कोई भी डाउट है तो वो डिस्कस हम लोग करेंगे. डन. Awesome. Awesome.
तो ठीक है, नेक्स्ट वीक में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। और तो इसलिए बोल रहे हैं, कहने का मतलब ये कि यही वीक है, आपको प्रोग्रेशन का जितना प्रैक्टिस करना है कर लो अच्छे से, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। बाय सर। बाय बाय सर, थैंक यू। ओके।